अलमैकम करम शहजाद आपके साथ मौजूद है वन मोर टाइम आई एम टॉकिंग टू यू एंड टू डे द टॉपिक इज़ सक्सेस बहुत सारी डेफिनेशन हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक और एंगल से सक्सेस को आज डिस्कस करें किसी एक बहुत मशहूर शख्स ने कहा था कि सक्सेस इज़ गेटिंग अप वन मोर टाइम यस सक्सेस इज़ गेटिंग अप वन मोर टाइम दिस इज़ द मोस्ट सिंपल एंड ईजी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस

कह देना कि सक्सेस इज नॉट मेंट टू बी फॉर फॉर दोज पीपल हु आर रेडी टू गिव अप और ये भी कहा जाता है कि थ्री परसेंट लोग जो गिव अप नहीं करते उन सब के पास वो नाइन्टी सेवन परसेंट लोग जॉब करते हैं जो गिव अप कर देते सो so, जितने डिफरेंट एंगल से भी आप सक्सेस को देखेंगे कंसिस्टेंसी इज द की हमेशा अपने काम में कंसिस्टेंटली काम करते रहें एवेंचुअली एक टाइम आएगा जब आपकी आपके काम की आपकी सर्विस की आपके स्किल की आपके हुनर की मार्केट में डिमांड भी होगी नीड भी होगी और लोग आपको जानना भी शुरू कर देंगे प्रॉब्लम ये है कि हमारे में जो टैलेंट है जो हम काम कर सकते हैं जो खिद सर्विसेज दे सकते हैं जो खिदमत पेश कर सकते हैं वो हमें पता है हम कर सकते हैं लोगों को नहीं पता कि हम कर सकते हैं हम अपने आप को अपनी स्किल को अपने काम को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं कर पाते बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करती हैं ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में मौजूद लोगों के सामने से आपका नाम आपकी प्रोडक्ट का नाम आपकी सर्विसेज़ का नाम गुज़रता रहना चाहिए सो so, दोस्तों से रिश्तेदारों से बाहर निकल के देखें जितने लोग पॉलिसी बेचते हैं स्टेट लाइफ की या कुछ भी सबसे पहले क्या सिखाया जाता है दोस्तों के पास जाएँ रिश्तेदारों के पास जाएँ ये इसलिए नहीं कहा जाता कि वहाँ से ज़्यादा चांसेज़ हैं उनको पॉलिसी बेच बेचने के और कमीशन मिलने के इसलिए कहा जाता है कि ईजी होता है फटाफट आपको पता यार एक भाई दो बहने चार डिफरेंट रिश्तेदारों से बात करेंगे तो जो आपको सिखा रहा होता है आपके सीनियर होते हैं उनको पता होता है जाएगा नहीं बिकेगी प्रैक्टिस होगी वही चीज़ आप जाके अजनबी लोगों पे अप्लाई करेंगे जैसे आपने भाई से बात की थी तो वो आपको हौसला मिलेगा बात करने का सीख जाएंगे तो इवेंचुअली जब आप अजनबी लोगों से बात करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर है वो आपकी बात सुनते हैं सो so, कंसिस्टेंटली करते रहने से आप सक्सेसफुल होंगे एक दिन मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं तो आपके साथ हैं गॉड ब्लेस यू